अदनान करो करो शुरू करो। अच्छा जल्दी यार, और बारे में जल्दी से। हाँ यार थोड़ा थोड़ा आगे आगे को आ जाओ, किसे सुनाऊंगा। कुछ पल के और दे मोहलत।
पल की और दे मोहलत अपनी पल की और दे मोहलत अपनी पूरी मैं आरजू करूं कब्र में देखना है वजहुल्लाह कब्र में देखना है वजहुल्लाह आबे जमजम से मैं वजू कर लूं नारे सलवार अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन फिक्रो फन चार दूसरे मौलान फिक्रो फन सिर्फ अली है या अली के बेटे फिक्रो फन सिर्फ अली है या अली के बेटे अब लगन सिर्फ अली है अली के बेटे तुम रिवायत से बनाओ तो वली और भी हैं तुम रिवायत से बनाओ तो वली और भी है आयतन सिर्फ अली है या अली के बेटे फिक्रो फन आगे आगे आ जाइए भाई आगे नारे सल्प नारे सल्ला पढ़िए Mm-hmm.
क्यों Yeah.
शेर है इमरान तेरे खून का असर देख रहे हैं इमरान के बच्चे को निडर देख रहे हैं इमरान तेरे खून का असर देख रहे हैं तामीर हुआ कसरे वफा आबे रवां पर तामीर हुआ कसरे वफा आबे रवां पर अब्बास के हाथों का हुनर देख रहे अब्बास के हाथों का हुनर देख रहे इमरान तेरे खून का असर आँखों से सिफीन के मैदान में खुद आँखों से है दर अब अपनी दुआओं का असर देख रहे अब अपनी दुआओं का असर देख रहे इमरान तेरे खून का असर देख रहे हैं उंगली के इशारे से फकत आपकी मौला उंगली के इशारे से फकत
साथ आपकी मौला होते हुए दो टुकड़े कमर देख रहे हैं उंगली के इशारे से फकत आपकी मौला होते हुए दो टुकड़े कमर देख रहे हैं उन लोगों के चेहरों पे है फिटकार खुदा की जो खुद में मोहम्मद सा बशर देख रहे जो खुद में मोहम्मद सा बशर देख रहे हैं इमरान तेरे खून का सर देख रहे मेराज की शब जा अर्शे बरी पर मेराज पयंबर का सफर देख रहे मेराज पयंबर का सफर देख रहे हैं इमरान तेरे खून का असर देख रहे तुम जिसको भी चाहो कहो उसको रजी अल्लाह तुम जिसको भी चाहो कहो उसको रजी अल्लाह अल्लाह हो नबी तुमको मगर देख रहे हैं तुम जिसको भी चाहो कहो उसको रजी अल्लाह अल्लाह हो नबी तुमको मगर देख रहे हैं कुछ लोग मोहम्मद के जनाजे में नहीं थे कुछ लोग मोहम्मद के जनाजे खबर देख रहे हैं अखबार में हम ऐसी खबर देख रहे हैं इमरान तेरे खून का असर देख रहे हैं बर्बाद वो कर देते हैं खुद अपनी इबादत बर्बाद वो कर दे हैं खुद अपनी इबादत जो लोग इधर और उधर देख रहे जो लोग इधर और उधर देख रहे हैं इमरान तेरे खून का असर देख रहे हैं इन बिदअती मुफ्ती से अलम ताजिया झूला इन बिदअती मुफ्ती से अलम ताजिया झूला देखा नहीं जाता है मगर देख रहे देखा नहीं जाता है मगर देख रहे इमरान तेरे खून का सर लगता है कि तलवार से कट जाएगी दुनिया लगता है कि तलवार से कट जाएगी दुनिया जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं जिब्रील समेटे हुए पर सर देख रहे
कहवारा शब्बीर झुलाने की तड़प है, गहवारा शब्बीर झुलाने की तड़प है, जिब्रील भी जहरा तेरा दर दे रहे, जिब्रील भी जहरा तेरा दर देख रहे हैं, इमरान तेरे खून का सर देख रहे हैं। महसूस हुआ आ गए दरबार में है दर, महसूस हुआ आ गए दरबार में है दर, जैनब तेरे लहजे का असर देख रहे, जैनब तेरे लहजे का असर देख रहे हैं, इमरान तेरे खून का असर देख रहे हैं। जिस दर के करीब पहुंचा नहीं कोई भी मीसम, जिस दर के करीब पहुंचा नहीं कोई भी मीसम, हम उंगली पे है दर की वो दर देख रहे हैं, हम उंगली पे है दर की वो दर देख रहे हैं, इमरान तेरे खून का। एक बार सूर्यम, तीन बार कुल वाला पढ़कर मरहूम की रूह को इशाल कर दें। ज़फ़र अली उर्फ मोहम्मद इब्ने रज़ा अली। हसरत दी
है के हसरत दीदार न जा, ये फिक्र है के हसरत दीदार न जा। सुनते ही इस सदा के शकिस्ता हुई कमर, तड़पे उठे गिरे न संभाला गया जिगर। कांपे जो पांव थाम लिया बाजुए पिसर, चिल्लाते थे कहो अली अकबर चले किधर, चिल्लाते थे कहो अली अकबर चले किधर। खुर्शीद क्यों छुपा है ये क्या वारदात है, कुछ सूझता नहीं हमें दिन है के रात है, कुछ सूझता नहीं हमें दिन है के रात है, कुछ सूझता नहीं हमें दिन है के रात है। गुरबत में लुट गया मेरा घर ऐ जमा पिसर, सीधी ना होगी अब ये कमर ऐ जमा पिसर। ताजा है आज दागे पदर ऐ जमा पिसर, काटा गया छुरी से जिगर ऐ जमा पिसर, काटा गया छुरी से जिगर ऐ जमा पिसर। अब्बास क्या जहाज है गए मैं गुजर गया, भाई हुआ शहीद हुसैन आज मर गया, भाई हुआ शहीद हुसैन आज मर गया, करीब लाशे के लाए हुसैन को। अब्बास जा बलब नजर आए हुसैन को, जर्रार सुन के तड़पे सदाए हुसैन को। अकबर ने हाथ उठा के दिखाए हुसैन को, अकबर ने हाथ उठा के दिखाए हुसैन को। तो कोह गम के दिल पे जो एक बार गिर पड़े, पहलू में लाश के शहे अबरार गिर पड़े, पहलू में लाश के शहे अबरार गिर पड़े, पहलू में लाश के शहे अबरार गिर पड़े। भाई की लाश भाई ने देखी जो खून में तर, उमड़ा ये दिल के मुंह के करीब आ गया जिगर। बोले ये आंखें खोल कर अब्बास नामवर, अकबर संभालो क़िबलाए आलम को बैठ कर, अकबर संभालो क़िबलाए आलम को बैठ कर। सदके हजार जाए इमामे गयूर के, मुझको उठा के गिर्द फिराओ हुजूर के, मुझको उठा के गिर्द फिराओ हुजूर के, मुझको उठा के गिर्द फिराओ हुजूर के। ये कह के पाए शाह की जानिब बढ़ाया सर, कांपे लहू भरी हुई आँखों को खोल कर, टपके बदन से खून के कतरे इधर उधर। किसी आस से हुसैन पे की आखरी नजर,
किस आस हुसैन पे की आखरी नजर, मन का जरी का ढल गया भाई के गोद में, भाई का दम निकल गया भाई की गोद में, भाई का दम निकल गया भाई की गोद में, भाई का दम निकल गया भाई की गोद में, फैला के हाथ लाश से सरवर लिपट गए, चिल्लाए हाय भाई तेरे हाथ कट गए, घोड़े से गिर के खाक में इस बन की मिल गए, हाय हाय बदन के जख्म तड़पने से फट गए, हाय हाय बदन के जख्म तड़पने से फट गए, हाथों के सदके तने सदपाश के निशान, मेरे नौजवान मैं तेरे लाश के निशान, मेरे नौजवान मैं तेरे लाश के निशान, मेरे नौजवान मैं तेरे लाश के निशान, इन खून में डूबी आंखों को खोलो हम आए हैं, क्या गश पड़े हो मुंह से तो बोलो हम आए हैं, जाते हुए विदा तो हो लो हम आए हैं, गर्दन में बाहें डाल के रो लो हम आए हैं, गर्दन में बाहें डाल के रो लो हम आए हैं, हाथों से खो के फिर तुम्हें जाते हो जहाँ से मेरा नाम हाल है, जाते हो जहाँ से मेरा नाम हाल है, जाते हो जहाँ से मेरा नाम हाल है, ऐ मेरे शेर सशिकल ऐ मेरे भाई जान, पाऊंगा तुम सा चाहने वाला मैं अब कहा, तुमको हुसैन जानता था अपने तन की जान, शेरे खुदा का आज जहां से मिटा निशान, शेरे खुदा का आज जहां से मिटा निशान, तेगों में अब सिपर नहीं के होते हो, बाजू कटा के शेर से दरिया पे सोते हो, बाजू कटा के शेर से दरिया पे सोते हो, बाजू कटा के शेर से दरिया पे सोते हो, बाजू कर बला
सुबह है उम्मीद है हुसैन शहे करबला तू बहार सुबह है उम्मीद है हुसैन शहे कर तेरा रूप कलाम है मजीद है तेरी चश्म चश्म है नूर है तेरा रूप कलाम है मजीद है और ये शराफ भी है ये नसीब भी तू शरीफ भी है नजीब ये शराफ भी है ये नसीब तो शरीफ भी है नजीब भी तू इमाम इब्न इमाम है तू इमाम इब्न इमाम है तू शहीद इब्न शहीद है शहीद इब्न शहीद है हुसैन शहे करबला कसीदे का चंद शेर समाप्त करो कि नाम हैदर जला करते हैं ऐसे वैसे नाम हैदर से जला करते हैं ऐसे वैसे दर बदर जग में फिरा करते हैं ऐसे वैसे नर दर बदर जग में फिरा करते हैं ऐसे वैसे कि सब ये बेकार है शब्बीर का मातम करना कि सब ये बेकार है शब्बीर का मातम करना ऐसी बातें तो किया करते हैं ऐसे वैसे ऐसी बातें तो किया करते हैं ऐसे वैसे और आग पर लोगो जरा हमको चला कर देखो कि आग पर लोगो जरा हमको चला कर देखो उठते शोलों से जला करते हैं ऐसे वैसे उठते शोलों से जला करते हैं ऐसे वैसे ओ खुल्द हसनैन की जागीर है फिर भी देखो के खुल्द हसनैन की जागीर है फिर भी देखो बात
बातें जन्नत की किया करते हैं ऐसे वैसे बातें जन्नत की किया करते हैं ऐसे वैसे ओ कह दिया दार पे मीसम ने जवा देते हुए के कह दिया दार पे मीसम ने जवा देते हुए हम नहीं डरते हैं डरा करते हैं ऐसे वैसे के कह दिया दार पे मीसम ने जवा देते हुए हम नहीं डरते हैं डरा करते हैं ऐसे वैसे और मकतबे है कि जो नारे सलवार के इनसे होशियार रहा करना हमेशा कौसर के इनसे होशियार रहा करना हमेशा कौसर बचते बचते भी मिला करते हैं ऐसे वैसे बचते बचते भी मिला करते हैं ऐसे वैसे رحم اللہ من قرأ الفاتحة کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبول ظفر علی عرف محمد ابن رضا علی کی روح کو اشارہ فرماتے ہیں ماشاء اللہ ولا 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 قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و بالقاسم محمد و صلاة و سلام علی آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی قرآنہ الکریم و فرقانہ الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون
इतिसाल सवाब की मजलिस बनवान चहलों बर्पा की जा रही है और इस मजलिस को इस मजलिस के लिए मैंने जिस आय करीमा को उनवान कलाम करार दिया है क़ुरान मुक़द्दस की बड़ी ही मशहूर व मारूफ आयत है और ये इतनी मशहूर है कि मोमिनीन इस आयत से इस क़दर वाबस्ता है ये आयत हमारी ज़िंदगी में कि हम जब भी किसी की खबर गम खबर इंतकाल सुनते हैं तो बेसाख्ता ये आयत हमारी ज़बान पर आती है और फौरन हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें उसी की तरफ वापस जाना है। इज़ा असाबत हुम मुसीबतुन, कुरान कह रहा है कि जब ये वो लोग हैं कि जब उन पर मुसीबतें पड़ती हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ वापस जाना है। इसका मतलब ये है कि ख़ास मौाक़ों पर ख़ास मौाक़े ऐसे होते हैं कि जब बेसाख्ता हमारी ज़बान पे ही आयत आ जाती है और क़ुरान मुक़द्दस में इस आयत के अलावा भी बहुत सारी आयात हैं कि जिनमें मौत का ज़िक्र पाया जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हुस्न इत्तफ़ाक़ ये है कि इस आयत में लफ्ज़ मौत है ही नहीं, इस आयत में लफ्ज़ मौत नहीं है, लेकिन हर मौत की खबर सुनने के बाद हम इसी आयत को तिलावत करते हैं। क़ुरान मजीद के अंदर ऐसा भी नहीं है कि किसी और आयत में लफ्ज़ मौत ना पाया जाता, क़ुरान मजीद के अंदर और भी बहुत सारी आयात हैं कि जहाँ लफ्ज़ मौत पाया जाता है और बेहतरीन मफाहीम के साथ क़ुरान मुक़द्दस में वो पाई जाती है। अगर हम खबर गम सुनने के बाद खबर इंतकाल सुनने के बाद इस आयत को पढ़ते कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, तो ये बेहतरीन आयत होती ऐलान करने के लिए कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो खातून हो, चाहे वो मर्द हो, उसे इस दुनिया से जाना है और उसे मौत का जायका चखना है। बेहतरीन आयत थी, या ये भी कहा जा सकता था कुरान मजीद की बड़ी मशहूर आयत है कुल्लो मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर एक शय फना हो जाएगी, हर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का चेहरा बाकी रह जाएगा। बेहतरीन आयत थी, हम जिक्र कर सकते थे। और भी कुरान मजीद में बहुत सारी आयात है कि जिनमें लफ्ज़ मौत पाया जाता है, मौत का जिक्र मिलता है, लेकिन इस आयत में जहाँ पर मौत का लफ्ज़ है ही नहीं, मौत का लफ्ज़ है ही नहीं, वहाँ कहा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ वापस जाना। इसका मतलब ये है कि इस आयत में ऐसी तो कोई ख़ास बात है कि जहाँ पर मौत का जिक्र था जब उनको ना पढ़ा गया, लेकिन इस आयत को पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ख़ास बात है। ख़ास बात क्या है अब वो सुनिएगा, इसलिए कि इस आयत में एक लफ्ज़ पाया जाता है, मेरा मौजू न मौत है, न परवरदिगार की तरफ से आना है, न उसकी तरफ जाना है, मेरा मौजू मैं आप तक पहुंचा रहा हूं अगले ही लफ्ज़ में। इस आयत में एक लफ्ज़ पाया जाता है और वो लफ्ज़ है लफ्ज़ इन्ना। उस लफ्ज़ इन्ना के क्या मानी है, लफ्ज़ इन्ना का तर्जुमा ये होता है कि ख़ास तौर पर कुरान मजीद में जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ इन्ना का इस्तेमाल हुआ है उसके नीचे तर्जुमा करने वालों ने हम ही लिखा है, यानी हम अल्लाह की तरफ से आए हैं। इन्ना हम, इन्ना लिल्लाहि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, वा और इन्ना इलैहि राजिऊन और हमें उसी की तरफ वापस जाना है, उसी की तरफ रजत होगी, उसी की तरफ पलट जाना है, उसी की तरफ वापस जाना है, ये इसका तर्जुमा है। तो ख़ास लफ्ज़ क्या है साहब इस लफ्ज़ इन्ना में, ऐसी क्या ख़ास बात है कि परवरदिगारे आलम ने इस आयत में लफ्ज़ इन्ना को रखा और बसीरत अफराद ने यह कानून बनाया कि इसे जब भी खबर गम सुनी जाए तो इस आयत की तिलावत की जाए।
सुनिएगा, इसे बाबसीरत अफराद ने नहीं, बल्कि जब जंगे ओहद में जनाबे हमजा की शहादत हुई तो मौलाए कायनात की जबान पर यह आयत जारी हुई। लेकिन यह याद रहे, जब तक यह आयत नाजिल नहीं हुई थी, इसका मतलब यह है कि अली की जबान पर पहले आई है, कुरान में बाद में आई है। और इसका मतलब यह है, अली की जबान पर पहले आने के बाद और कुरान का परवरदिगार ने इसे जुज बना दिया। इसका मतलब यह है कि परवरदिगार ऐलान करना चाहता है ताकि दुनिया पहचान ले कि कुरान वाले भी ये हैं और वारिस कुरान भी ये हैं। यही कुरान वाले भी हैं और यही वारिस कुरान भी है। मेरा मौजू ये भी नहीं है, मेरा मौजू आप तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। सुनिएगा, परवरदिगार आलम ने इस लफ्ज इन्ना ही को क्यों रखा है? इस लफ्ज इन्ना को इसलिए रखा ताकि मुफस्सरीन ने जब इसलिए इस लफ्ज इन्ना के हवाले से लिखा तो दो तफसीरें पाई जाती हैं। चूंकि मशहूर है जमाने में कि मुसलमानों के अंदर दो गिरोह है, एक उलमाए अहले सुन्नत का है, एक उलमाए अहले तशय्यु का है। भाई दोनों ने तफसीरें की है। उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि जहां जहां पर भी परवरदिगारे आलम लफ्ज़े इन्ना का इस्तेमाल करता है कुरान में, वहां सारी कायनात को अपनी किबरियाई का आईना दिखा रहा होता है। मेरा मौजू आप तक पहुंचेगा, सुनिएगा और बागौर सुनिएगा। यह उलमाए अहले सुन्नत ने तफसीर की, उलमाए अहले तशय्यु ने क्या लिखा, हमारे उलमा ने क्या लिखा, वो कहते हैं जहां जहां पर भी कुराने मजीद में लफ्ज़े इन्ना का इस्तेमाल हुआ है वहां परवरदिगारे आलम के साथ अल्लाह के मुस्तफा बंदे शरीक है। अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो अकबर। वहां अल्लाह के मुस्तफा बंदे शरीक हैं, और जहां लफ्ज़े इन्ना का इस्तेमाल हुआ है उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि वहां पर परवरदिगारे आलम पूरी कायनात को, पूरी किबरियाई को आईना दिखा रहा होता है। क्या मतलब? परवरदिगारे आलम ये चैलेंज कर रहा होता है, परवरदिगारे आलम चैलेंज कर रहा होता है। आईना दिखाने का क्या मतलब है साहब? आईना दिखाने का मतलब यह है कि परवरदिगारे आलम चैलेंज कर रहा है। चैलेंज भी दो तरह के होते हैं। मेरे मौजू की बुनियाद आप तक पहुंच जाए इंशाल्लाह, उसके बाद नतीजे तेजी से आने लगेंगे। क्या मतलब? दो तरह की तफसीरें हैं, उलमाए अहले तशय्यु की भी है और उलमाए अहले सुन्नत की भी है। हम अपने बरादरान की तफसीर को मानते हैं और उसी के हवाले से गुफ्तगु करते हैं। उन्होंने लिखा कि पूरी किबरियाई को आईना दिखाता है, यानी चैलेंज करता है। चैलेंज दो तरह के होते हैं, एक चैलेंज मुस्बत चैलेंज होता है, एक चैलेंज मनफी चैलेंज होता है। एक चैलेंज पॉजिटिव चैलेंज होता है, एक चैलेंज नेगेटिव चैलेंज होता है। बात को और आसान करता हूं ताकि जवानों तक पहुंच जाए, हिंदी का जमाना है, उर्दू मरती जा रही है, इसलिए कि किसी शायर ने कहा था कि हमारी कौम के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें यह गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। तो सुनिएगा, अगर बात पहुंच जाए, ये बात सही है कि ये मजलिस इसाले सवाब की है, चेहलुम की मजलिस है, लेकिन अगर आप तक एक तालिब इल्म की मेहनत पहुंचे तो उधर से आवाज़ ज़रूर मिलाइएगा, ताकि मुझे भी एहसास रहे कि आप तक मेरी मुराद पहुंच रही है, आप तक मेरी बात पहुंच रही है। क्या मतलब? परवरदिगार आलम चैलेंज करता है। चैलेंज दो तरह के होते हैं, मुस्बत चैलेंज या मनफी चैलेंज, पॉजिटिव चैलेंज या नेगेटिव चैलेंज, सकारात्मक चैलेंज या नकारात्मक चैलेंज। लीजिए आसान करता हूं ताकि छोटे से बच्चे की भी समझ में आ सके। क्या मतलब? परवरदिगारे आलम ये चैलेंज करता है, या तो सारी कायनात का एक एक फर्द, या तो परवरदिगार चैलेंज करता है, या तो तुम भी ऐसा करके दिखाओ, या हम कर रहे हैं हमें रोक के दिखाओ। भाई या तो तुम भी ऐसा करके दिखाओ, या हम कर रहे हैं हमें रोक के दिखाओ। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर परवरदिगारे आलम ने इस लफ्ज़े इन्ना का इस्तेमाल किया है। मैं वो आयत आपके हवाले करूंगा, उसके बाद नतीजे आएंगे। मैं आयतें पढ़ता चला जाऊंगा, आप हजरात तक बात पहुंचती रहे, एहसास कराते रहिएगा। मुतअद्दिद मकामात पर एक जगह परवरदिगार कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअल्लाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को मिले जुले नुतफे
जज्बे से पैदा किया ताकि उसे देखने और सुनने वाला बना सके। एक जगह कह रहा है इन्ना हदैनहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने हिदायत के रास्ते खोल दिए हैं, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि शुक्र करके शाकिर हो जाओ या इनकार करके काफिर हो जाओ। एक जगह कह रहा है इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबियल लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान मजीद को अरबी जबान में नाजिल किया है। एक जगह कह रहा है इन्ना अरसलना रियाहा लवाक़िहा, एक जगह कह रहा है इन्ना अनज़लनाहु मिनस समाए मा'अन तहूरा, हमने आसमान से पाक पानी बरसाया। एक जगह कह रहा है इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, एक जगह कह रहा है आपका सुकून टूटने वाला है। एक जगह कह रहा है इन्ना नहनो नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस जिक्र को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। एक जगह कह रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, एक जगह कह रहा है इन्ना शानिया का हो वाला ता। आवाज सही नहीं पहुंच रही क्या? सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। एक जगह कह रहा है इसका मतलब यह है कितना जहां जहां भी लफ्ज़ इन्ना का इस्तेमाल हुआ है वहां परवरदिगार चैलेंज करता है। अब लीजिए, अभी तक मैंने दावा किया था, अब कुरान मजीद की आयतों से दलील सुनिएगा। क्या कहा परवरदिगार ने? कहा इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया। कब हुआ ये सूरह नाजिल? आस इब्ने वाइल नाम का मलऊन मक्के की गलियों में ये ढिंडोरा पीट रहा था, नबी बे औलाद हो गए हैं, नबी की नस्ल बची नहीं है, नबी की नस्ल मुनक़ता हो गई है। परवरदिगारे आलम ने तीन आयतों पे मुश्तमिल है सूरा, कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़े किए हैं। भाई चैलेंज बहुत बड़े किए, क्या मतलब? परवरदिगारे आलम ने चैलेंज दो किए, आयतें तीन है, चैलेंज दो है। क्या कहा? पहली जगह कहा इन्ना आतैना कल कौसर, उसने क्या कहा था कि रसूल की नस्ल मुनक़ता हो गई है। अल्लाह ने कहा रसूल हमने तुम्हें कौसर अता किया, पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज इन्ना शानिया का हुआ लगता, अय हबीब हमने तुम्हारे दुश्मन को अबतर कर दिया है। भाई इसमें कौन सा चैलेंज है? इसमें कौन सा चैलेंज है साहब कि हमने तुम्हें कौसर अता किया? इसमें कौन सा चैलेंज है कि हमने तुम्हें नस्ल कसीर से नवाजा? सुनिएगा, कौसर से मुराद मुफस्सरीन ने बताया, कौसर से मुराद है जाते फातिमा ज़हरा। सुनिएगा चैलेंज क्या है, भूले तो नहीं है चैलेंज क्या है? या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ, या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ। क्या मतलब? परवरदिगार ने कहा अरे मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया, यानी परवरदिगार ने कहा मेरे हबीब हमने तुम्हें फातिमा अता की। परवरदिगार चैलेंज कर रहा, या तो कायनात में कोई दूसरी ऐसी बेटी ला के दिखा। क्या मतलब? परवरदिगार चैलेंज कर रहा है, या तो कायनात में कोई दूसरी ऐसी बेटी लाके दिखाओ, या हमने अपने हबीब के दुश्मन की नस्ल खत्म कर दी है, या फिर इन्हें औलाद दे के दिखा, या फिर इन्हें औलाद दे के दिखाओ, या फिर इन्हें औलाद दे के दिखाओ। बेदार हो गए आप? नतीजे पहुंचा दूं आप तक? सुनिएगा आयत क्या कहा परवरदिगार ने। एक जगह परवरदिगारे आलम ने कहा इन्ना हदैनहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने हिदायत के रास्ते खोल दिए हैं, अब तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इन पे चलकर या तो शाकिर हो जाओ या इनका इनकार करके काफिर हो जाओ, ये तो तुम्हारी मर्जी है ना। परवरदिगारे आलम ने आजाद कर दिया,
परवरदिगार आलम ने 12 हादियों का इंतजाम किया और आखिरी हादी को पर्दा गैब में रखा। चैलेंज सुनिएगा, चैलेंज सुनिएगा, या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ। अरे मेरे अल्लाह, जब 11 भेजे थे, जब जनाबे नूह को इतनी तूलानी उम्र दी तो आखिरी इमाम को भी जाहिर रखता और तूलानी उम्र दे देता, लेकिन इन्हें पर्दे गैब में क्यों रखा है? कब पर्दे गैब में भी रखूंगा और जवान रखूंगा। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है भाई। पर्दे गैब में रखूंगा और जवान भी रखूंगा, क्या मतलब? का जब ये आएगा, गैबत की नकाब उलझ के आएगा, तब हमारा चैलेंज जाहिर होगा। क्या मतलब? क्या चैलेंज जाहिर होगा? उस वक्त ये आने वाला कमाल ये होगा, जब ये आएगा तो आसमान से नूर टूट के बरस रहे होंगे, जमीन से नूर चश्मा बन के उबल रहा होगा, हकीकत दरमियान में तवाफ करेगी, इस्मत ईमान को खेल लेगी, विलायत ताज बनकर ईमान के सर पे उतर रही होंगी, एक यकीन कामिल होगा जो सरहद इंसानियत को छूने के लिए तैयार होगा। उस वक्त दो कदम पीछे नबूवत होगी, दो कदम आगे इमामत होगी। मरियम का बेटा ईमान के पीछे मुसल्ला बिछा के कहेगा, नमाज आप पढ़ाइए, बहते हुए पानी पर मेरा मोहम्मद आखिरी मेहदी जब मुसल्ला बिछाएगा, उस वक्त ये चैलेंज करेगा, या तो तुम भी कोई ऐसा मुसल्ला बिछा के दिखा। सोचा, कभी आपने सोचा और किया? अगर मुसल्ला बिछवाना ही था आखिरी मोहम्मद से और अपने आखिरी हादी से इतनी मोहब्बत थी परवरदिगारे आलम को, तो अल्लाह कहता है, ए मेरे महती, ए मेरे आखिरी मोहम्मद, काबे की छत पर मुसल्ला बिछा ताकि दुनिया को पता चल जाए यही तो वारिस काबा है। कब से गैरों कब्जे में है बैतुल मुकद्दस, अरे मेरे आखिरी हदिया और बैतुल मुकद्दस में आकर मुसल्ला बिछा। लेकिन मुसल्ला ना बैतुल मुकद्दस में बिछेगा ना खाने काबा में बिछेगा, जबकि इमाम का जहूर ही खाने काबा से होगा। क्यों बिछवाएंगे? चैलेंज जहन में है ना, या तो करके दिखाओ। भूलते जा रहे हैं आप, सलवात भेजे मोहम्मद वाले। या तो करके दिखाओ या रोक के दिखा। जब आखिरी इमाम आएंगे बहते हुए पानी की मौजों पर, जब मौजे मौज मार रही होंगी, अब आपकी मर्जी है, लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा, जब मौजे मौज मार रही होंगी, उस वक्त आखिरी इमाम मुसल्ला लेकर आबे रवा पर मुसल्ला बिछाएंगे। ए मेरे परवरदिगार, क्यों बिछवा रहा है मुसल्ला? का इसलिए बिछवा रहा हूं, ये इसे सिर्फ तुम मुसल्ला इबादत ना समझना, असल में ये मसनद इमामत है। इसे सिर्फ मुसल्ला इबादत ना समझना, असल में ये मसनद इमामत है। हुआ क्या था माजी में? माजी में हुआ ये कि लोग छूटे इमाम बनकर, लोग कूदे मिंबर पे आ गए, लोग कूदे तख्त पे आ बैठे, दावा कर दिया हम सच्चे इमाम हैं, हम ही इमाम हैं। उस वक्त जलालत को जलाल आएगा, और आने के बाद जब इमाम बहते हुए पानी पे मुसल्ला बिछाएंगे, मसनद इमामत बिछाएंगे, उस वक्त चैलेंज करेंगे, या तो तुम भी ऐसी मसनद ला के दिखा। जिंदाबाद। या तो तुम भी ऐसी मसनद बिछा के दिखाओ। भाई तुमने बड़े दावे किए थे कि हम हैं इमाम, फला साहब इमाम, फला साहब इमाम, फला साहब इमाम, दुनिया ने 4 बना लिया, 8 बना लिया। आओ, अगर दम है तो अब मसनद इमामत बहते हुए पानी पे बिछाओ। उस वक्त मसीह चलाल में आके कहेगी, अगर दम है तो बिछा के दिखाओ।
अगला जुमला मजलिसी जुमला है, या तो बिछा के दिखाओ वरना मशीयत जलाल में आके कहेगी मेरा आखिरी हादी बिछा रहा है, दम है तो इसे रोक के दिखा, दम है तो फिर इसे रोक के दिखाओ। सुनिएगा, एक और आयत पढ़ता हूं फिर उसका नतीजा ले जाइएगा। एक जगह क्या का परवरदिगार ने इन्ना नहनो नज़ल्ना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही ने इस जिक्र को नाजिल किया है, हम ही ने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम ही इसे बचाने वाले हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। किसने नाजिल किया है जिक्र को? अल्लाह ने। और गारंटी कौन ले रहा है? अल्लाह ही ले रहा है। इसका मतलब यह है जो काम अल्लाह करता है उसकी जिम्मेदारी भी खुद लेता है। हिदायत करना उसका काम था तो हादी भी उसी ने भेजे। इसी तरह से उसने क्या कहा कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हिफाजत करने वाले हैं। अब मुझे इंसाफ से बताएं, जिसकी गारंटी परवरदिगार ले ले तो किसी नजिस इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि कुरान मजीद के नुक्ते पे हर्फ लगा सके? नतीजा सुनिएगा साहब, नतीजा ले जाइएगा। आपके अजहान बेदार हो चुके हैं, इंशाल्लाह उस मंजिल पर पहुंचेंगे। क्या मतलब? एक जगह क्या कहा परवरदिगार ने, हम ही ने जिक्र को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब परवरदिगार ने गारंटी ली है, एक गारंटी ली कुरान साबित की कि इस जिक्र को हमने नाजिल किया है और हम ही हिफाजत करेंगे, और एक गारंटी ली कुरान नातिक की अनकुम रिसाल अलबैत। ये आयतों की मजलिस है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। रिवायतों पे भी बोला कीजिए और आयतों पे भी बोला कीजिए, ताकि यहां से पढ़ने वालों के हौसले में इजाफा हो सके, उनकी हौसला अफजाई हो सके। सुनिए साहब, क्या मतलब? इस जिक्र को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और कुरान नातिक के लिए क्या गारंटी ली? कुरान नातिक के लिए गारंटी ली अनकुम रिस्सा अहलल बैत, इन तक कभी निजासत नहीं जा सकती। अब मुझे इंसाफ से बताएं, हजारों कोशिशें करने के बाद अगर कोई, अब मैं इशारतन कह के गुजर जाऊंगा, मर्जी आपकी है कि आप कितनी जल्दी समझते हैं और कितनी जल्दी नहीं समझ पाते हैं, अब वो आपका सुनना तय करेगा कि मुझे कितनी देर और मेहनत करना है। सुनिएगा और बगौर सुनिएगा, इस जिक्र को हम ही ने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसका मतलब यह है कि कोई भी त्यागी चाहे जितनी कोशिशें कर ले कुरान मजीद की आयतें नहीं हटा सकता। चाहे कोई भी कितनी कोशिशें कर ले, लेकिन कुरान मजीद की इस मंजिल तक लाना था मजलिस का तबर्रुक ले जाइएगा, रूहानी तबर्रुक। क्या मतलब? हम ही ने जिक्र को नाजिल किया है तो किसी भी नजिस की इतनी ताकत नहीं है कि वो कुरान मजीद की आयतें हटा दे। 26 आयतें लेकर गया सुप्रीम कोर्ट। अब पता नहीं आपके जहन पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। 26 आयतें लेकर गया सुप्रीम कोर्ट। क्या कहा उसने जाकर? ये आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, कुरान मजीद से इन आयतों को हटा दिया जाए। मैंने कहा बड़ा नादान है ये इंसान, इसे यही पता नहीं है, ये तो आयतें निकालने चला है। अरे इससे कहो कि एक नुक्ता हटा दे। अब मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है, इससे कहो कि एक नुक्ता हटा दे। मियां नुक्ते को तो छोड़िए, हटाने को तो छोड़िए, इससे कहो कि फकत एक नुक्ता हिला दे। कुरान मजीद का नुक्ता हटाने का तो छोड़िए, हिला नहीं सकता। हिलाने से मुराद ये, यहां से उठा के यहां नहीं लगा सकता, बे के नीचे से उठाकर हे के नीचे नहीं लगा सकता। क्या मतलब? क्यों नहीं लगा सकता? क्या इतना वजनी हो गया कुरान का नुक्ता? जी इतना ही वजनी है। इसकी जुर्रत नहीं है, इसकी ताकत नहीं है, इसकी हिम्मत नहीं है कि ये कुरान मजीद का नुक्ता हटा दे। क्यों नहीं हटा सकता? इसलिए कि मेरे अमीर कायनात ने फरमाया है अना नुक्तातुल लती तहते बाय बिस्मिल्ला, जो बाय बिस्मिल्ला में बे के नीचे का नुक्ता है उसे अली कहते हैं, उसे अली कहते हैं।
बाय बिस्मिल्लाह में जो बे के नीचे का नुक्ता है उसे अली कहते हैं, उसे अली कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी नजिस कितनी कोशिशें कर ले, लेकिन कुरान मजीद में तब्दीली नहीं ला सकता। लेकिन मेरा सवाल यह है, आप समझ रहे हैं ना, त्यागी कौन है? वही जो इसी कौम के दरमियान से निकलकर जिसने ऐलान किया था। हाँ, मैं उधर जा रहा हूं। पैदा हुआ था इसी कौम के दरमियान, शिया घराने में पैदा होने वाला इंसान, मजलिस को मजलिस बना लीजिएगा अगर पैगाम पहुंच जाए। आज की मजलिस का रूहानी तबर्रुक ले जाइएगा। क्या मतलब? शिया घराने में पैदा होने वाला, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि कुरान के खिलाफ बोले? भाई कुरान के खिलाफ भी बोला, वारिस कुरान के खिलाफ भी बोला, आखिर वजह क्या थी? सबब क्या है, रीजन क्या है, वजह क्या है कि कुरान के खिलाफ बोल रहा है? अगर इसके अलावा कोई और वजह हो तो आप मुझे बताइएगा, मेरी इसलाह फरमाइएगा। अगर मेरे अकीदे से अकीदा मिले, मेरी फिक्र से फिक्र मिले, तो आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। कोई वजह नहीं है सिवाय इसके, अगर इसने अपनी इब्तदा में वक्फे इमाम का माल न खाया होता। मर्जी है आपकी, मर्जी है आपकी। क्या मतलब? अगर इसने अपनी इब्तदा में वक्फे इमाम का माल न खाया होता तो ये खुल के कभी काफिर ना होता। जुमला ले जाइएगा, ये कभी खुल के काफिर ना होता। इसका मतलब ये है, फिर मुझे कहने का हक है जो 1400 साल के बाद में यहां हिंदुस्तान में माले जहरा खा ले, जब वो खुल के काफिर हो जाए तो जो पूरे का पूरा था। जो पूरे का पूरा बागे फिदक खा ले। मेरा सवाल यह है, अब सुनिएगा, मजलिस यहां तक लाना थी, अब पैगाम आपके हवाले करूंगा। वजह क्या है साहब? वजह यह है कि इसने वक्फे इमाम का माल खा लिया था तो यह खुल के काफिर हो गया। अब मुझे तो यहां के मामलात नहीं मालूम, लेकिन मिंबर पे हूं तो हक बयानी करूंगा। हाथ जोड़ के एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, सुनिएगा, होशियार हो जाए मस्जिद और इमाम बारगाह के मुतवल्ली। इसलिए कि एक का नतीजा सामने आ चुका है। जगह जगह मैं देख रहा हूं कि हमारे मुल्क के अंदर जगह जगह से खबरें आ रही हैं, फला जगह का वक्फ लूट गया, फला जगह का वक्फ खा लिया गया, फला जगह वो खा लिया गया, फला जगह इमामबाड़ा खा लिया, फला जगह मस्जिद की जमीन बेच दी, ये हो गया वो हो गया। सुनिएगा, ये हिम्मत कहां से आई? हिम्मत कहां से आई? इमाम हुसैन के नाम पर तबर्रुक खाने वालों, तुम्हें खाने की इतनी आदत हो गई कि इमाम का इमाम मारा ही खा गए। हाँ हाँ, यह हकीकत है, यह हकीकत है, यह हकीकत है। सब ऐसे नहीं है, लेकिन जो लोग वक्फे इमाम खा रहे हैं, तो क्या जरूरी नहीं है कि मिंबर से उन पर मलामतें की जाएं? इसलिए कि बागे फदक खाने वालों में और उनमें फिर फर्क ही क्या रह गया भाई? ये तो उनसे ज्यादा संगीन जुर्म कर रहे हैं। अफसोस ये है, कम से कम वो अपने तो नहीं थे, ये अपने होकर औकाफ का माल खा रहे हैं। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमें सोचने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो, कोशिशें करते रहे कि इमाम का तबर्रुक ना छूट जाए। यकीनन इसमें बरकतें हैं, इसमें बरकतें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाते खाते ऐसी आदत हो जाए कि यही तमीज ना रहे कि तबर्रुक खा रहे हैं या इमाम की जमीन खा रहे हैं। ऐसा ना हो, इम्तियाज बाकी रहना चाहिए ना, इम्तियाज बाकी रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जगह जगह पर परवरदिगार कुराने मजीद में चैलेंज करता है, चैलेंज करता है। क्या चैलेंज करता है साहब?
परवरदिगार चैलेंज करता है, या तो तुम भी ऐसा करके दिखाओ या हम करेंगे उसे रोक कर दिखाओ। कायदा यह होना चाहिए, कानून यह होना चाहिए कि अगर कुरान सामित चैलेंज करता है तो कुरान नातिक भी चैलेंज करे। अल्लाह अकबर, किस मंजिल पे आया हूं खुदा की कसम। थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए मुतवज्जे हो जाए ताकि मैं अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं और अपना सफर आसानी से तय कर लूं। क्या मतलब? परवरदिगार आलम अगर कुरान मजीद में, कुरान सामित में चैलेंज करता है तो यकीनन कुरान नातिक से भी चैलेंज होने चाहिए, उनकी जात से भी चैलेंज होने चाहिए। इसलिए कि रसूल ने जाते हुए फरमाया था अपनी उम्मत से कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरी मेरी इत्रत, मेरे अहले बैत। इसका मतलब यह है कि अगर कुरान चैलेंज करेगा तो वारिसे कुरान भी चैलेंज करेंगे, कुरान चैलेंज करेगा तो वारिसे कुरान भी चैलेंज करेंगे। नहीं, बात समझ में नहीं आ रही है। कैसे चैलेंज करेंगे? सुनिएगा, ऐसे चैलेंज करेंगे पूरी कायनात के अंदर सिवाय मजलूम करबला के, सिवाय हुसैन शहीद के, लाओ कोई ऐसी शख्सियत के जिसने सर कटने के बाद, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सर कटने के बाद कलाम किया हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कलाम किया, और फकत कलाम नहीं किया है बल्कि कुरान मजीद की तिलावत की है। कहां से की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तिलावत? नौके नेजा से तिलावत की है। मौला अगर चाहते तो जब करबला में सर जिस्म से अलग किया जा रहा था और जब नेजे पे बुलंद किया तो वहां भी तिलावत कर सकते थे, लेकिन यहां बाजार कूफा ही में क्यों की? यहां जब लोगों का जम्मे गफीर था उन्हीं के दरमियान क्यों की? मौला क्यों कर रहे हैं कुरान मजीद की तिलावत? अच्छा, जरूरी तो नहीं था कि मौला सिर्फ कुरान की तिलावत ही करते, चाहते तो इमाम खुतबा भी दे सकते थे, चाहे तो इमाम कोई कौल भी बयान कर सकते थे, चाहते तो इमाम अपनी नाना की उम्मत के लिए नसीहतें कर सकते थे, जो चाहते इमाम करते थे, लेकिन इमाम ने कुरान ही की तिलावत क्यों की? इसलिए कि हुसैन चैलेंज कर रहे हैं। या तो पूरी दुनिया कहती है ना कुरान पढ़ पढ़कर रट रट कर कहती है हम हाफिज़े कुरान हैं, हम हाफिज़े कुरान हैं, हम हाफिज़े कुरान हैं। हुसैन ने नौके नेजा से तिलावत करके चैलेंज किया हाफिज़े कुरान होना और वारिसे कुरान, हाफिज़े कुरान होना और है और वारिसे कुरान होना, वारिसे कुरान होना और है। लाओ कायनात के अंदर कोई दूसरी ऐसी शख्सियत कि जिसमें यह दम पाया जाता हो कि सर जिस्म से अलग हो गया और वो नौ के नेजा की बुलंदी से तिलावतें कर रहा है। यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात मुकद्दस है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी है जो पूरी कायनात को चैलेंज करती है। या तो तुम भी ऐसा करके दिखा। हमारे करोड़ों सलाम हो अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी पर, खुदा की कसम हमारे अल्लामा क्या क्या गोशे लिख कर गए हैं, और इतना बड़ा आलिम अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी, मुफस्सिर कुरान, और न जाने कितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं। जब करबला के हवाले से किताब में लिखते हैं तो जिक्र करते हैं। मैं आपको यहाँ तक लेकर आया और मैंने जब जुमला कहा ये फजाइल का गोशा था, लेकिन मैं देख रहा था कि आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या जुमला लिखा है, वो लिखते हैं कि करबला असल में मसाइब के अंदर फजाइल का नाम है, फजाइल के मसाइब के सीने में छुपे हुए फजाइल का नाम है, इसमें फजाइल पाए जाते हैं, वहां की मुसीबतों में फजीलतें पाई जाती हैं। साहब कैसे मुसीबतों में फजीलत पाई जाती है? अब उन्होंने चंद दलीलें लिखी हैं, वो सुन लीजिएगा क्या जुमला लिखते हैं। वो कहते हैं, सुनिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कट जाना ये मुसीबत की अलामत है, लेकिन नौके नेजा से तिलावत करना यह फजीलत की अलामत है। क्या जुमला है साहब? नौके नेजा से तिलावत करना
यह फजीलत की अलामत है, इसलिए कि सबके बस का रोग नहीं है। शायद यही वजह है किसी आलिम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था, क्या खूबसूरत जवाब दिया था, बज़बानी इमाम हुसैन। उन्होंने एक जुमला कहा कि जब शिमर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को तन से जुदा कर रहा था तो उस वक्त हुसैन मुस्कुरा रहे थे और एक जुमला कह रहे थे कि शिमर तू मेरे जिस्म से सर अलग कर रहा है, तू मेरी गर्दन काट रहा है लेकिन मेरी जिंदगी नहीं काट रहा है। क्या जुमला है, क्या जुमला है, तू मेरी गर्दन काट रहा है लेकिन जिंदगी नहीं काट रहा है। और उसकी दलील दी इमाम हुसैन ने नौके नेजा से तिलावत करके। इमाम हुसैन ने बताया कि जिस्म अलग हुआ है, जिंदगी अलग नहीं हुई है। और सुनिएगा, कभी भी कौले रसूल को मिज़दाक ना मिलता। क्या फरमाया रसूल ने, मम्मा ताला हुब्बही आल मोहम्मद मात शहीदा, उनकी मोहब्बत में मरने वाला शहीद होता है। लेकिन इमाम हुसैन ने बताया, हाँ जो हमारी मोहब्बत में मरे वो शहीद होता है, इसलिए कि हमने जिंदगी ख़त्म होने के बाद जिंदगी की अलामतों का ऐलान किया है। हमने बताया कि जिंदगी सिर्फ जिस्म में रूह के रहने का नाम नहीं है, किसी भी किरदार के हमेशा जिंदा रहने के नाम को जिंदगी कहते हैं, जिंदगी कहते हैं। यह ईसाले सवाब की मजलिस है, चेहलुम की मजलिस है। यकीनन मेरे लिए मुश्किल मरहला था कि मैं इस मजलिस को पढ़ूं, लेकिन हुक्म था कि इस मजलिस को मैं पढ़ूं। बहरहाल मैं हाजिर हो गया आप हजरात के सामने, लेकिन एक जुमला ज़रूर कहूँगा, एक जुमला ज़रूर कहूँगा। यकीनन ये चेहरों की मजलिस है और मैं देख रहा हूँ कि दूर दराज से सफ़र तय करने के बाद इतने मोमिनीन आ गए, दूर दराज से सफ़र तय करने के बाद रिश्तेदार अकरबा आ गए। मैं अफसर भाई से कहूँगा कि खुश नसीब हैं आप कि इतने लोग हैं जो आपको पुरसा देने के लिए आए, लेकिन कभी अगर दिल को सुकून ना मिले भाई की जुदाई पर तो कभी करबला की तरफ रुख करना और सैयद सज्जाद को देखना। कोई एक ऐसा नहीं था जो सैयद सज्जाद से कह रहा है, सैयद सज्जाद तुम्हारा घर उजड़ गया, हम पुरसा देने आए। मोहम्मद का खानवादा, उनके चचा जाद ताया जाद भाई अफसर भाई, सबको मैं यहाँ से ताज़ियत पेश करता हूँ और बस एक ही जुमला कहता हूँ कि यकीनन आप भी सोगवार हैं, हम भी सोगवार हैं। आपके ख़ानदान की एक फ़र्द इस दुनिया से गई है, यकीनन आपको अफसोस है, यकीनन आप उनका गम मना रहे हैं, लेकिन कभी गौर करना कि हुसैन का तो घर का घर उजड़ गया, फातिमा का तो घर का घर उजड़ गया। और उस पर जुल्म ये है कि किसी ने पुरसा तक नहीं दिया। कितना बड़ा जुल्म हुआ है करबला में सुनेंगे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई और यजीदी लश्कर सिमट कर जब खेमों की तरफ बढ़ने लगा तो जानते जनाबे जैनब का एक जुमला है जो मक्तल में मिलता। जनाबे जैनब ने एक जुमला कहा था कि जब सिमटी हुई फौजें हमारे खयाम की तरफ पलट रही थी तो मैं ये समझी थी कि मेरे नाना की उम्मत मेरे भाई का आ रही है, लेकिन आए हमारे खेमों को जला दिया गया, हमारे खेमों को वीरान। अरे सैयद सच्चा जैनब के पोस्ट पर जलते हुए खेमे। अजरकुल मलक ज़हरा, अजरकुल मलक ज़हरा। इमाम ज़माना आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए, खुदा आपको सब्र जमील इनायत करे। सुनेंगे
सुनिएगा, दिल थाम के मसाइल सुनिएगा, इसलिए कि ये करबला है। और जनाब ज़ैनब का एक जुमला, जो जनाब ज़ैनब जब मदीना पहुंची है और पहुंचने के बाद जब कब्र पैगंबर इस्लाम पे पहुंची तो करबला के हवाले से जुमला मिलता है। जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा था, नाना पछताएगा वो जुल्म जो हम आले मोहम्मद पर नहीं हुआ है। जनाब ज़ैनब की बेकसी देखेंगे आप, नाना पछताएगा वो जुल्म जो हम पर नहीं हुआ है। करबला में कौन सा ऐसा जुल्म था जो आले मोहम्मद पर नहीं हुआ? सुनेंगे, सिर्फ सिर्फ जिंदगी में और जिस्मों पर जुल्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ मजालिम ऐसे थे जो रूहानियत को मजरूह कर देने वाले थे, जो रूह को मजरूह कर देने वाले थे। उन मजालिम में से एक जुल्म सुनिएगा, बस एक रिवायत और मजलिस तमाम कर दूंगा, ताकि मरहूम के छोटे छोटे बच्चे हैं। अदनान को भी पुरसा देना है, यहाँ अफसर भाई हैं, जैगम भाई हैं, और बरादरान हैं, उनके चचा हैं, अहले खानदान हैं, सुनेंगे, सबको पुरसा हो जाए। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे, एक छोटी बच्ची भी है जिसकी उम्र सिर्फ 10 या 12 बरस की है, लेकिन सुनिएगा, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी भतीजियां सकीना से बढ़कर रही है, आले मोहम्मद के बच्चों से बढ़कर नहीं है। सुनेंगे, सुनिए, पुरसा भी हो जाएगा, मसाइब भी हो जाएंगे, मजलिस तमाम हो जाएगी। जुल्म ये हुआ करबला, सिर्फ जिस्मों पर जुल्म नहीं हुआ, रूहानी असीयतें भी पहुंचाई गई। जब करबला के बाद ये काफिला लुटकर शाम पहुंचा और यजीद के दरबार में जब सरहाए शोहदा पेश किए जा रहे थे, सुनिए, जब सरहाए शोहदा पेश किए जा रहे थे, यजीद तख्त पर बैठा था, शिमर सामने खड़ा था, सिपाही एक एक तस्त लाते थे, शिमर बताता जाता था यजीद को ये किसका सर है। एक सर आया, यजीद ने पूछा ये किसका सर है, कि यजीद ये हुसैन के अली अकबर का सर है। एक सर आया, यजीद ने पूछा ये किस जवान का सर है, शिमर कहता ये हुसैन के कड़ियल जवान भाई अब्बास का सर है। उसके बाद एक तश्त में दो नन्ने नन्ने सर, यजीद ने पूछा ये किसके सर है, शिमर ने खातून की तरफ इशारा करके कहा अरे ये उस ज़ैनबे कुबरा, अरे आना मोहम्मद, ये आलो मोहम्मद के सर है। कयामत गुजर गई, कयामत गुजर गई, सामने बीबियों का हुजूम है, सामने बीबियों का हुजूम है, यहां से सर लाए जा रहे हैं, सामने शिमर खड़ा है, यजीद तख्त पर बैठा है। मंजर समझिए दरबार का, और उसके बाद कैफियत महसूस कीजिएगा रिवायत की। सामने बीबियां मौजूद हैं, इधर यजीद बैठा है, सामने शिमर खड़ा है, इधर से सर लाए जा रहे हैं। सुनिएगा, बीबियां देख रही है किस किस शहीद का सर आ रहा है। कयामत गुजर गई जब एक छोटे से तश्त में एक नन्ना सा सर आया, जब उसके ऊपर से पर्दा हटाया गया तो यजीद ने पूछा किसका सर है, शिमर ने कहा अरे हुसैन के अली असगर, 6 महीने का बच्चा। जब सबके सर आ चुके, जब सबके सर आ चुके ना, सबके सर आ चुके, अब मनादी ने निदा दी, होशियार, खबरदार, एक सर आ रहा है, का ये किसका सर है, का ये फातिमा के मजलूम बेटे का सर है, ये हुसैन गरीब का सर है। भाई यजीद ने हुसैन के सर की तरफ देखा और देखने के बाद एक जुमला का, शिमर सच सच बता ये किसका सर है, अरे मुझे सच सच बता ये किसका सर है। शिमर पलट के कहता है हाकिम ये हुसैन ही का तो सर है, का नहीं ये हुसैन का सर नहीं है,
ये हुसैन का सर नहीं है। का हाकिम कैसे कह सकता है कि हुसैन का सर नहीं है? यजीद पलट के कहता है, मुझे सच सच बता, तू हुसैन के सर को कितनी भारी कीमत में बेच कर आया है? ये हुसैन का सर नहीं हो सकता। शिमर कसम खा के कहता है, हाकिम मैं कसम खाता हूं ये हुसैन ही का सर है। तू किस बुनियाद पे कह रहा है कि ये हुसैन का सर नहीं है? कयामत सुनेगे कयामत। पलट के यजीद कहता है, शिमर अभी 6 महीने पहले ही की तो बात है, जब हुसैन मदीने में थे तो मैंने वलीद को खत लिखा था कि मुझे बता के हुसैन दिखता कैसा है। तो वलीद ने लिखा था, हुसैन का चेहरा वजी है, हुसैन की जुल्फे सियाह है, हुसैन की रीस सियाह है, हुसैन एक जवाने राना दिखाई देता है, लेकिन तू जिस सर को कह रहा है कि यह हिस्सा हुसैन का सर है, अरे इसकी सारी जुल्फे सफेद है, इसके चेहरे पे झुर्रियों के निशान, अरे ये हुसैन का सर नहीं हो सकता। बस शिमर कहता है, अच्छा ये बात है। पलट के कहता है, हाकिम मैंने हुसैन को अरे एक दिन में जवान से बूढ़ा होते हुए देखा है। का कैसे देखा? का सुन, जब अली अकबर की मैयत पर पहुंचे, अरे जवान का राजा हुसैन ने उठाया, हुसैन की कमा, हुसैन ने रोआ पड़ा, ए हवा मेरे शियों को खबर कर दे मेरा जवान। अजरकुम बलज़हरा, अजरकुम बलज़हरा, ए हवा मेरे शियों को खबर कर दे मेरा अकबर मारा गया। मैंने हुसैन को लम्हों में बूढ़ा होते देखा है। यजीद जवान बेटे का गम हुसैन को ज़ईफ़ी का दाग दे गया। और उसके बाद जुल्म सुनिएगा सा, जुल्म सुनिएगा। और उसके बाद कहते हैं, हाकिम अगर तुझे अब भी यकीन नहीं आता कि ये हुसैन का सर है, तो मैं तुझे यकीन दिलाऊंगा कि ये हुसैन का सर है। का कैसे यकीन दिलाएगा? बस इतना कहते हुए उस हुजूम की तरफ शिमर बढ़ा जहां बीबियां खड़ी थी, और उन बीबियों के दरमियान से एक नन्ही सी बच्ची के जुल्फों में हाथ डाला। उस बच्ची के सर की जुल्फों को पकड़कर शिमर खींचता हुआ लाया और सामने लाकर तख्त के सामने खड़ा किया और एक जुमला कहता है, यजीद ये हुसैन की बेटी सकीना है, ये हुसैन की यतीमा है, ये हुसैन की यतीमा है, इसका नाम सकीना है। सकीना बताओ ये किसका सर है? जनाबे सकीना ने देखा, पलट के कहा, शिमर ये मेरे बाबा का सर है, मेरे बाबा का सर है, मेरे बाबा का सर है। पलट के कहता, सकीना अपने बाबा को बहुत चाहती थी। हाँ हाँ शिमर अपने बाबा को चाहती हूँ। सकीना के बाबा भी तुमसे मोहब्बत करते थे? शिमर कायनात में कोई बाप अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत नहीं करता होगा जितनी मेरा बाबा मुझसे करता था। अच्छा बाबा से मुलाकात करना चाहोगी? हाँ शिमर करना चाहूंगी। अच्छा बाबा भी मुलाकात करना चाहेंगे? हाँ शिमर करना चाहेंगे। क्या नहीं सकीना, अगर तुम बाबा से मुलाकात करना चाहती हो तो आज तुम बाबा से मिलने नहीं जाओगी, बल्कि आज बाबा तुमसे मिलने आए। का समझे नहीं शिमर, का हुसैन का सर तुम्हारे पास आना चाहिए। बस जनाबे सकीना ने जनाबे ज़ैनब की तरफ देखा, जनाबे ज़ैनब ने सर हिलाया, हाँ मेरी लाडली मोहब्बत का इम्तिहान है, इसे कामिल कर दे। सकीना ने जले हुए कुर्ते का नंदा सा दामन उठाया, दस से सरे हुसैन उठा, दामने सकीना में आया, बच्ची ने मुंह पे मुंह रख दिया, ए बाबा आपके बाद तमाचे, ए बाबा शिवर गोशवारे ले गए। بار الہ جو بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے عہدہ مشکل کو حل کر، بار الہ تجھے واسطہ ہے بی بی جناب رواح کی اجڑی ہوئی آغوش کا، کہ جس کا ایک بیٹا کربلا میں رہ گیا، بچی کو شام کا قید، بی بی رواح کی اجڑی ہوئی آغوش کا
ناموش کے سر تک لے جن مومنین کی گودیاں ہم تک سنی ہے انہیں آباد کر ہمارے یہاں حفیظ واسطہ حسین جی کا یہ جوان بیٹے جناب نے دیا کر رکھا اس قوم کی جوانوں کی حفاظت اس قوم کی حفاظت میرا اللہ تجھے واسطہ ہے سخی امام حسین علی کے لیے جو ولی مقروض ہیں ان کے پاس تو غیر سے بارہ دہا جناب سکینہ کے سکتے ہیں جو یتیم ہیں پروردگار ان پہ اپنا رحم نازل فرما ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما ان پہ اپنا کرم نازل فرما اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے تجھے تیری شان کا عزت کا عظمت کا ہمارا اس دورے پرشور میں کوئی یونس کو مدد کا نہیں پروردگار امام سمن علیہ السلام کی ظہور میں تاجی کرنا ہمیں ان کے انصار و اقوام میں شمار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اور علماء حق کی حفاظت فرما پروردگار جو کچھ بھی تو نے اس مجلس کے ثواب کو معین کیا ہے اسے مرحوم کی روح کے لیے تسکین قرار دے ایک مرتبہ سورہ بقرہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے مرحوم و مغفور سید ظفر علی نقوی و محمد ابن رضا علی کی روح کو انشاء اللہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب